जय हिंद वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका हमारे रोजाना 10 मिनट 50% की सीरीज की इस क्लास में। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का अपना टॉपिक है उद्योग। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन में, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई तो वो थी दोस्तों मरहोरा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में तेल शोधक कारखाना है तो बिहार के अंदर जो है बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है तो मुरी के अंदर जो है एल्यूमिनियम उद्योग स्थापित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सूची एक व सूची दो के नगरों से सह संबंधित कीजिए, मतलब यहाँ जो है बिहार के अंदर के जो उद्योग लगे हुए हैं उनको जो है अपने को सुमेलित करना है। तो देखिए, कागज़ और लुगदी उद्योग डालमिया नगर में है, सही है। सिगरेट उद्योग दिलवारपुर में है, यह भी सही है। प्लाईवुड हाजीपुर में सही है। जूट उद्योग पूर्णिया में सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तातीपाका तेल शोधन शाला किस राज्य में अवस्थित है, ये जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सुमेलित कीजिए। अब यहाँ उद्योग और उनका स्थान दे रखा है, अपने को इनको जो है सुमेलित करना है। तो देखिए, कागज़ उद्योग ये टीटागढ़ में है, सीमेंट ये लाखेरी के अंतर्गत है, और फिर आ जाएगा आपके लौह और इस्पात अम्बाला में, सॉरी लौह इस्पात हो जाएगा भिलाई में, और खनिज शोधशाला जो है अम्बाला में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित लौह इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन सा कोयला क्षेत्रों में काफ़ी दूर स्थित है, तो इनमें से अगर देखा जाए तो भद्रावती जो है काफ़ी दूरी पे स्थित है। निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है, तो वो है दोस्तों आपका पंजाब और तमिलनाडु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है तो वो है दोस्तों आपका बरेली। फिर यहाँ दो सूचियाँ दे रखी है, इनको जो है अपने को मिलाना है। तो देखिए, अलूपुरम केरल, अंगुल ओडिशा, बेलगाम कर्नाटक, और कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है, वो धातु हो जाएगी आपकी क्रोमियम। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कतिपय लोह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं, इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थित्यांतरण का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका कारण यह है दोस्तों कि गोवा और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तर श्रेणी के लोह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा होना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है, तो वो है दोस्तों कोकारी या कोकंग या कोयला जिसे हम कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोह इस्पात संयंत्र लोह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर न होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है, तो वो है दोस्तों आपका भद्रावती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, टिस्को संयंत्र जिसके नज़दीक स्थित है वो है तो वो टाटा नगर के अंतर्गत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, जो गलत है वो बताना। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम एकीकृत इस्पात संयंत्र राउरकेला इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ, यही गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, जो गलत है वो बताना। मुरी झारखंड सही है, अलवाई केरल सही है, धर्मापुरी उड़ीसा गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दो सूचियाँ दे रखी है और इन सूचियों को जो है अपने को मिलाना है। तो देखिए, एटलस साइकिल कंपनी ये सोनीपत में है, फिर भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलोर, इंडियन फार्म्स फर्टिलाइजर्स कल्लोल, और फिर है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, ये जो है दोस्तों भुवनेश्वर में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड पार्क क्या है, तो डायमंड पार्क जो है दोस्तों वे औद्योगिक केंद्र हैं जो हीरों सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अब यहाँ दो सूचियाँ दे रखी है और इन सूचियों को जो है अपने को मिलाना है। तो देखिए, बी वी राव ये क्या है, तो ये जो है दोस्तों संबंधित हो जाएंगे आपके कुक्कुट पालन से, ठीक है। फिर सी के प्रहलाद ये हो जाएंगे प्रबंधन विज्ञान से, और फिर है आपके जॉन कुरियन ये मत्स्य उद्योग से संबंधित हैं, और फिर आपके हो जाएंगे किरण कौर्णिक ये सूचना प्रौद्योगिकी जिसे IT जो हम कहते हैं उससे संबंधित हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है आपका लुधियाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तो पानी का सबसे उपभोक्ता है ताप शक्ति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए उद्योग और केंद्र दे रखे हैं, इनको जो है अपने को मिलाना है। तो देखिए, एल्यूमिनियम जेके नगर हो जाएगा, तांबा मलसखंड हो जाएगा, और फिर जस्ता टुंडू,
और झूठ जो है भाटपाड़ा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वापस यहाँ दो सूचियाँ दे रखी है और इनको जो है मिलाना है। आगरा ये पर्यटन से संबंधित है, ताजमहल देखने जाते हैं लोग। कानपुर यहाँ चमड़े का काम ज़्यादा होता है। मेरठ खेल कूद का सामान अधिक बनता है और मुरादाबाद जो है धातु पत्र से संबंधित हैं। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो आप जानते हो उत्तर प्रदेश को जो हम चीनी का कटोरा कहते हैं। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंद्वी कौन है? तो वो हो जाएगा आपका बांग्लादेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित उद्योगों में से कौन से सर्वप्रथम स्थापित हुए थे? तो सबसे पहले स्थापित हुआ था सूती वस्त्र और पटसन उद्योग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1907 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है दोस्तों कोयम्बटूर। फिर नेक्स्ट, अब यहाँ जो है दो सूचियाँ दे रखी है और इनको जो है अपने को मिलाना है। तो देखिए, बाल को कोरबा, हिंडाल को रेनकुट, एल्यूमिनियम इंडियन एल्यूमिनियम हेराकुंड और नेशनल एल्यूमिनियम जो है कोरापुट से संबंधित हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वापस जो है यहाँ पे दो सूचियाँ दे रखी, एक तरफ एल्यूमिनियम संयंत्र है और दूसरी तरफ जो है वो किस राज्य में स्थापित हैं ये अपने को बताना है। तो देखिए, अल्लूपुरम ये हो जाएगा आपके केरल में। फिर है अंगुल, अंगुल हो जाएगा आपके ओडिशा में। और फिर है आपके बेलगाम, बेलगाम है आपके कर्नाटक में और कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो वो हो जाएगा आपका भोपाल। यहाँ पे गैस त्रासदी भी हुई थी। फिर नेक्स्ट, स्थान और उद्योग दे रखे हैं, इनको जो है अपने को सुमेलित करना है। तो विशाखापट्टनम ये पोत निर्माण से संबंधित है, मुरी एल्यूमिनियम से संबंधित है, गुड़गांव मोटर गाड़ियाँ बनती हैं और पनखी जो है उर्वरक से संबंधित हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जो गलत है वो बताना है। सीमेंट उद्योग पोरबंदर में है सही है, पेट्रो रसायन नागथेन सही है, चीनी सिलवासा गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रबर उद्योग स्थित हैं? तो ये जो है दोस्तों पणजी में स्थित हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, जो गलत है वो बताना है। तो देखिए, रामगुंडम उर्वरक में, चितरंजन लोकोमोटिव से, कोरबा एल्यूमिनियम से संबंधित है, पीपरी कीटनाशक दवाई गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, जो गलत है बताना है। तो देखिए, आंवला उर्वरक से संबंधित सही है, नेपानगर में कागज बनता है, सिंदरी तांबा गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? ये जो है दोस्तों विशाखापट्टनम में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? तो ये जो है दोस्तों रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है दोस्तों, कई बार, अच्छे से देख लें आप। भिलाई, दुर्गापुरा और राउरकेला हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो वो कलकत्ता के अंतर्गत हुई थी, जो कि सबसे प्राचीन भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? तो वो है आपका वस्त्र या सूती वस्त्र उद्योग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था? तो वो था वो दोस्तों आपका जूट या रुई उद्योग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है, यहाँ दो सूचियाँ दे रखी हैं। तो देखिए, पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? हम अहमदाबाद को। सूती वस्त्रों की राजधानी बम्बई को कहते हैं। फिर आ जाएगा आपके उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ये आपका कौन सा हो जाएगा? कानपुर। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है कोयम्बटूर को कहते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं हम भीलवाड़ा को। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहते हैं भिवाड़ी को। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है हथकरघा उद्योग। फिर वापस दो सूचियाँ दे रखी है, इनको जो है मिलाना है। तो देखिए, कांच उद्योग फिरोजाबाद, फिर पीतल उद्योग मुरादाबाद में होता है, फिर स्लेट हो जाएगा आपके मरकपुर, और हस्तनिर्मित कालीन जो है मिर्ज़ापुर में बनती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से स्थान कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं? तो देखिए, यमुनानगर, गुवाहाटी, शाहबाद और बल्लारपुर, यहाँ चार स्थान दे रखे हैं। तो इनमें से देखिए, यमुनानगर, गुवाहाटी और बल्लारपुर हो जाएंगे, शाहबाद नहीं होगा। तो एक, दो और चार जो है सही हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट विचारसरणी की सीरीज़ की आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।